वेलकम टू लर्निंग लोकस। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम सीखेंगे पोजेसिव केस बनाना नाउंस का। नाउंस का पोजेसिव केस कैसे बनता है, इसे हम सीखेंगे। आप जानते हैं कि हम केस लर्न कर रहे हैं। लास्ट जो लेक्चर था, उसमें हमने सीखा था केस एंड टाइप्स ऑफ केस। अब उसी वक्त कहा था जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आएगा नाउंस का पोजेसिव केस कैसे बनता है, और इस लेक्चर के बाद आएगा प्रोनाउंस का पोजेसिव केस कैसे बनता है। तो आज हम फोकस करेंगे केवल नाउंस पे कि नाउंस का पोजेसिव केस कैसे बनता है। पोजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं इसे, हिंदी में भी पढ़ते हैं। चीन इसका होता है का के की रा रे री लाइक। तो ये पोजेसिव केस होता है। इंग्लिश में भी इसे इंग्लिश में पोजेसिव केस कह देते हैं। तो सपोज कोई नाउन है, जैसे कि राम का, राम की, राम के। तो यहाँ पे यह राम का, यहाँ पे का जो चिन्ह आ गया, तो राम का यह पोजेसिव केस बन गया हिंदी में। और इसी को इंग्लिश में करना हो तो राम्स, राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तो इसे ही लर्न करना है पोजेसिव केस कैसे बनाते हैं नाउंस को। ऐसे ही मेरा, मेरी, मेरे, जिसका आप इंग्लिश जानते हैं माइन, माई या माइन होता है। तो हम नाउंस पे फोकस करेंगे कि नाउंस का पोजेसिव केस कैसे बनाते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स हैं। रूल से पहले तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं पोजेसिव केस बनाने के। नाउंस के पोजेसिव केस बनाने के तीन तरीके होते हैं। जो फर्स्ट टू तरीका है, यह लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव, जैसे हम लोगों का नाम होगा, मैन होगा, ये सब तो सजीव के लिए होगा, या किसी जानवर का नाम होगा, जो भी सजीव है उसके लिए दो, जो फर्स्ट दो तरीके हैं लगते हैं। और जो लिविंग थिंग्स का अगर सिंगुलर है तो उसके लिए तरीका नंबर वन अपोस्ट्रोफी एस, और अगर वही प्लुरल है तो तरीका नंबर दो केवल अपोस्ट्रोफी। तो इसे हम ठीक से लर्न करेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो यह जो दो तरीका है लिविंग थिंग्स के लिए है, और तीसरा है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव के लिए। तो इसमें निर्जीव, किसी निर्जीव का अगर आपको बनाना होता है संबंध कारक पोजेसिव केस, तो वहाँ पे ऑफ जोड़ना पड़ता है उस नाउन के बाद, उस नाउन के पहले, बाद नहीं, उस नाउन के पहले। यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी है पार्टिकुलर नाउन के बाद होता है, किंतु ऑफ होता है पार्टिकुलर नाउन के पहले। तो ये तीन तरीके हैं। अब क्लियर करते हैं कि कौन सा तरीका कहाँ पे लगता है। सबसे पहले हम करेंगे क्लियर अपोस्ट्रोफी एस कहाँ कहाँ लगाते हैं। अपोस्ट्रोफी एस तो अगर कोई नाउन सिंगुलर है, अगर कोई नाउन सिंगुलर है, जैसे कि एग्जाम्पल में राम था, तो राम सिंगुलर है, तो इसका अपोस्ट्रोफी, इसका अगर पॉजिटिव केस बनाना हुआ तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस डाल देंगे, बन जाएगा पॉजिटिव केस, इसलिए राम्स वहाँ पे था। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मीरा का बनेगा तो मीराज हो जाएगा। यहाँ बाद में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्वीन का क्वींस हो जाएगा, फार्मर का फार्मर्स हो जाएगा, सब सिंगुलर है, सब सजीव भी है। चाइल्ड का चाइल्ड्स हो जाएगा, गॉड का गॉड्स हो जाएगा, हेवन का हेवंस हो जाएगा। हेवन मतलब ही भगवान कह देते हैं हम, और गॉड मतलब ही भगवान। तो यहाँ पे हो गया सिंगुलर जो नाउन होगा उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तरीका नंबर एक है, रूल नंबर एक है। रूल नंबर दो, अगर कोई नाउन टाइटल या कोई टाइटल सेवरल वर्ड्स का हो, मतलब एक से अधिक वर्ड का हो, इसमें क्या देखा आपने, जो प्रीवियस वाला स्लाइड है, जो नाउन है एक वर्ड का है, जैसे मीरा, क्वीन, अगर वही नाउन एक से अधिक वर्ड का हो, नाउन हो चाहे टाइटल हो, वो भी नाउन ही होगा, तो एक से अधिक वर्ड का हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर दो वर्ड का नाउन हो गया, तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड होता है उसमें अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीन वर्ड का हो गया, तो यहाँ पे लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी डालते हैं। और कोई कंपाउंड नाउन, जैसे कि मदर इन लॉ, तो यहाँ पे भी लास्ट वर्ड के साथ डाल देते हैं अपोस्ट्रोफी। यह रूल नंबर टू है। सो रूल नंबर टू में क्या करते हैं, लास्ट वर्ड के साथ जो अपोस्ट्रोफी होता है लास्ट वर्ड के साथ डाल देते हैं, ध्यान, अपोस्ट्रोफी एस, नॉट ओनली अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड के साथ डालते हैं।
तो अभी आप जानते हैं ना कि जो ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसे सिंगुलर नाउंस का ही हम बनाते हैं पजेसिव केस, अपोस्ट्रोफी एस। तो जितना मिलेगा आपको अभी सिंगुलर ही मिलेगा। रूल वन भी सिंगुलर था, रूल टू भी सिंगुलर, रूल थ्री भी सिंगुलर। अगर दो या दो से अधिक नाउंस क्लोजली कनेक्टेड हों, दो या दो से अधिक नाउन क्लोजली कनेक्टेड हों, जैसे कि राम एंड मिराज हाउस, कोई हाउस है जिस हाउस में दोनों रहते हैं, राम भी और मीरा भी, तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह क्लोजली कनेक्टेड है, मतलब दोनों का एक ही घर है। तो इसमें भी जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस डाल देते हैं। रहीम एंड करीम्स फादर, दोनों के फादर एक ही हैं, तो दोनों क्लोजली कनेक्टेड हो गए, तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस डाल दिया। यहाँ पे तीन, मोहन, रीमा, सोहन, टीचर, तीनों के टीचर एक ही हैं, तो लास्ट जो सोहन वर्ड है इसमें अपोस्ट्रोफी एस डाल दिया। यह रूल नंबर तीन हो गया कि क्लोजली कनेक्टेड नाउंस भी होंगे जो एक से अधिक वर्ड के होंगे, तो उनके में लास्ट वर्ड के साथ डाल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में भी लिखा है। रूल फोर, दो या दो से अधिक नाउन कनेक्टेड हों, पिछला था क्लोजली कनेक्टेड, यहाँ कनेक्टेड हों, और बट अलगाव का भाव होता है, अलग अलग प्रतीत होते हैं। जैसे देखिए, गांधी जीज एंड गोखलेज स्पीचेज, स्पीच मीन्स भाषण, तो गांधी जी के और गोखले के भाषण, दोनों का भाषण तो एक नहीं हो सकते ना, तो भाषण तो ठीक है, भाषण से दोनों कनेक्ट हुआ, लेकिन गांधी जी का भाषण और गोखले का भाषण आप समझते हैं कि सेपरेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए जब दो कनेक्टेड होंगे बट अलगाव का भी भाव उसमें होगा, तो अलगाव का भाव होने पे दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी डालते हैं, गांधी जी के साथ भी डालेंगे और गोखले के साथ भी डालेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि हॉबीज, हॉबीज मतलब आदतें हैं, शौक आपका, तो शौक सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो मीरा का शौक अलग, राम का शौक अलग, करीम का शौक अलग, सो मीराज राम्स एंड करीम्स हॉबीज, ऐसे होगा। फादर मान लीजिए कि अलग अलग हैं, मेधा के अलग और मेघा के अलग, सो मेधाज एंड मेघाज फादर्स। सो इस तरह से दो या दो से अधिक नाउंस जो क्लोजली जो कनेक्टेड हैं किंतु उसमें सेपरेशन का भाव है, सेपरेशन को समझ में आता है सबको देखने से, तो वहाँ पे सबके साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस डालते हैं। यह रूल नंबर फोर है। रूल नंबर फाइव, रेपिटेशन को रोकने के लिए, दोहराव को रोकने के लिए भी हम से जो नाउन होता है एक सेंटेंस में, तो उस नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, मिराज कार इज बेटर देन राम्स कार, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, कार, तो बात कार की ही हो रही है, तो मिराज कार इज बेटर देन राम्स कार, तो यहाँ पे जो नाउन रिपीट होने वाला है उस नाउन को हटाया और जिसके साथ रिपीट होने वाला है वहाँ पर अपोस्ट्रोफी डाल दिया। ऐसे ही राम्स मेमोरी इज लाइक पैरट्स, यहाँ पे भी मेमोरी होना चाहिए था तो मेमोरी को हटा दिया, बिकॉज हमारी जानकारी को कम दिखाता है कि अगर हम लिखेंगे मेमोरी तो सही सेंटेंस है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि हमें इस रूल की जानकारी नहीं है, हमें ग्रामर की प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो रेपिटेशन को भी हटाने के लिए हम कर देते हैं, पार्टिकुलर चीज़ का रेपिटेशन ना हो तो जिस नाउन से कनेक्ट होता है उस नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफीज लगा देते हैं, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है। हिज लीडरशिप इज लाइक गांधी जीज, गांधी जी लीडरशिप, यहाँ पे लीडरशिप, तो पार्टिकुलर वर्ड का रेपिटेशन हो रहा था तो गांधी जी के साथ लास्ट वर्ड के साथ लगा देंगे, कहानी खत्म। ये हो गई रूल, ये हो रूल नंबर फाइव। रूल नंबर सिक्स की बात करते हैं, अपोस्ट्रोफी ऐसी है, सब सिंगुलर ही है, नॉन लिविंग थिंग्स कुछ होते हैं, आपने देखा है शुरू में बता दें कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ लगाते हैं, जो आज पढ़ेंगे ही इस लेक्चर में, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सनिफाई करते हैं, मतलब उसको सजीवीकरण करते हैं, उसको हम सजीव के रूप में मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे, नेचर को हम सजीव मान लेते हैं, सम्मान आदर जो भी कहिए, डेथ को भी हम सजीव मान लेते हैं, ड्यूटी को भी, कर्तव्य को भी सजीव मान लेते हैं, और हम किसी चीज़ को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पर्सनिफाई कर रहे हैं
तो उसका अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाना, उसका अगर पॉजेसिव केस बनाना होगा तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जैसे कि नेचर्स गिफ्ट, डेथ जोड़, ड्यूटीज कॉल, ये सब प्रायः जो लिखा ना एग्जाम्पल प्रायः ऐसे ही होता है, इनको प्रश्निफाई ही किया गया रहता है और इनका अपोस्ट्रोफी एस बनाकर ही होता है पॉजेसिव केस, ये ध्यान रखना है। तो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता है, अभी और भी मिलेंगे देखिएगा। अगर नॉन लिविंग थिंग्स को हम ऑनर कर रहे हैं, ऑनर आदर दे रहे हैं, तो भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उनका जरूरत पड़ने पे पॉजेसिव केस बनाएंगे, जैसे कि हेवेंस विल, हेवन मतलब होता है भगवान, तो हेवेंस विल, यहाँ पे कोर्ट, कोर्ट को भी हम समानते हैं, आप बोलते भी हैं हिंदी में माननीय कोर्ट है ना, सो कोर्ट्स यहाँ पर अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। सूरज, द सन्स रेज, रेज यहाँ पे भी हम इसको आदर देते हैं, तो नेचर को भी आदर देते हैं, उधर तो पर्सनिफाई किया था नेचर, वहाँ भी था, आदर में भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम ऑनर करते हैं तो भी हम उसको अपोस्ट्रोफी एस से उसका पजेसिव केस बनाते हैं। नेक्स्ट रूल में बाय यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, देखिए आपको समझा दिया है, अपोस्ट्रोफी एस किसका, सिंगुलर का, और अपोस्ट्रोफी प्लुरल का, जो भी रूल आपने अभी तक लर्न किया अगर वे नाउन प्लुरल हैं तो यहाँ पे अब खाली अपोस्ट्रोफी लगाकर आप बना देंगे, सेम सब कुछ उसे रहेगा, प्लुरल होने पे केवल अपोस्ट्रोफी लगाइएगा। और यही लिखा है कि प्लुरल नाउन जिनके अंत में एस होगा वहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी लगाकर उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। देखिए आर्टिस्ट, यहाँ पे ये प्लुरल है तो खाली अपोस्ट्रोफी लगा दिया, गर्ल्स प्लुरल है अपोस्ट्रोफी लगा दिया, डॉक्टर्स प्लुरल है अपोस्ट्रोफी लगाया, बॉयज प्लुरल है अपोस्ट्रोफी लगाया। तो जितने रूल्स पढ़े इसके पहले 7 7 सभी पे यह अप्लीकेबल है, अगर उसके अंत में एस है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाइएगा। लेकिन कुछ प्लुरल होते हैं नाउन्स, जैसे देखिए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन तो यहाँ पे अंत में एस नहीं है, तो जब प्लुरल होगा और अंत में एस नहीं है, यहाँ पे अंत में एस है ना, जितना आपने देखा अंत में अगर एस नहीं है तो फिर अपोस्ट्रोफी लगा दीजिएगा, ये ध्यान रखना है। प्लुरल का अपोस्ट्रोफी से ही पजेसिव केस बनता है और मोस्टली सबके अंत में एस होता है। कुछ होते हैं जैसे कि यहाँ पे मैन, मेन हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, वीमेन हो गया, पीपल हो गया, इन ये सब प्लुरल है लेकिन इनके लास्ट में एस नहीं है, तो जब एस नहीं होगा तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, जब एस होगा तो खाली अपोस्ट्रोफी लगाइएगा। समझ गए होंगे आप रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 किसका होगा, ऑफ का, बता दिया था कि ऑफ से, ऑफ के सहायता से अगर हम पजेसिव केस बना रहे हैं तो क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा, नॉन लिविंग थिंग का हम बनाते हैं पजेसिव केस ऑफ की सहायता से। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको करना है रूम का बनाना है तो रूम के पहले डालना होगा ऑफ, यहाँ पे जो पहले रूल पढ़े क्या वहाँ पे अपोस्ट्रोफी, चाहे अपोस्ट्रोफी इसमें उस पर्टिकुलर नाउन के बाद था, ऑफ रहेगा पहले, तो रूम का होगा अगर पैसिव केस तो इसके पहले ऑफ, हाउस का होगा तो इसके पहले ऑफ, ट्री का होगा तो इसके पहले ऑफ, तो ऑफ की सहायता से कर देते हैं हम, ये हो गया नॉन लिविंग थिंग का। तो इस तरह से हमने लर्न कर लिया है फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स, नाउन्स का। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन्स। अगर आपको यह सब यूजफुल लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।